हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गले के। और मैं हूँ याना। आज हम बात करने वाले हैं खादी प्रोडक्ट के बारे में। मेरे पास कुछ खादी की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, उनका कैस्टर ऑयल है, नीम ऑयल है और खादी का ही हर्बल फेस पैक एलोवेरा वाला जो आता है, ये वो है मेरे पास में। एलोवेरा, पहले बात करते हैं हम एलोवेरा फेस पैक के बारे में। एलोवेरा की जो फेस पैक है, इसमें आपको 100 ग्राम मिलेगी और इसका प्राइस है 249 रुपीज़। और मैन्युफैक्चर डेट इसमें दी गई है 6/2018 की, और आप इसे 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडरी फॉर्म में आपको मिलेगा और आप जैसे आप देखिए, ये आपको स्टील आपको एक कंटेनर मिल रहा है इसका, और एयरटाइट कंटेनर है, तो ये बहुत लंबे समय तक आपके पास रहेगा और उसके बाद भी आप एक कंटेनर को यूज़ कर पाओगे। और इसकी जो पाउडर जो पैक मिलती है, उसे आप कर्ड में या फिर रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर कर लगा सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं, और इसकी स्मेल मैं बता दूँ तो इसका स्मेल बहुत ही लाइट रहता है। पहले स्ट्रॉन्ग लगेगा, थोड़ी देर बाद में लाइट लगेगी। आपको इसका DIY आपको अलग से दिखाओ, आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि इसकी स्मेल बहुत ही लाइट रहती है कुछ देर के बाद, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगी। चलिए बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। खादी का ही है ये कैस्टर ऑयल, फॉर ब्यूटीफुल स्किन एंड नेचुरल थिकर लॉन्ग हेयर। जैसे आप देख सकते हैं, ये 200 ml है, और मेरे पास में है खादी का नीम ऑयल, प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल है, प्योर एंड नेचुरल ऑयल हेयर एंड स्किन नरिशमेंट। आप देखिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। जैसे हम सब जानते हैं, ये जो नीम होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो ये DIY इसमें यूज़ करने के लिए मैंने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, दोनों की पैकेजिंग सेम है, ट्रांसपेरेंट सा है, और मैंने काफ़ी हद तक यहाँ तक यूज़ कर लिया है। नीम यहाँ तक एम्प्टी है, और कैस्टर ऑयल आप देखिए ऑलमोस्ट हाफ एम्प्टी हो गई है। दोनों ही आपको 200 ml मिल रही है। और कैस्टर ऑयल का प्राइस दिया गया है 200 रुपीज़ है, और इसका कैस्टर ऑयल का प्राइस दिया गया है 200 रुपीज़, और नीम ऑयल का प्राइस दिया गया है 290 रुपीज़ है। और जैसे कि मैंने बताया, कैस्टर ऑयल आपको पता है स्किन के लिए, हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जिन्हें हेडेक रहती है वो लेग में भी थोड़ा सा लगाते हैं, ऐसे मैंने सुना है मेरी एक फ्रेंड से। और इसके अलावा हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है ये, और इसमें आपको एक अलग सी फ्रेगरेंस मिलेगी। वो मुझे समझ नहीं आया, कैस्टर ऑयल में कोई फ्रेगरेंस वैसा होता नहीं है, थोड़ी सी एक अजीब सी स्मेल होती है, पर इसका एक अलग सा फ्रेग्रेंस आता है और बहुत ही लाइट रहता है। आपको उतना थिक ऑयल इसमें नहीं मिलता है। और जैसे बताते हैं, टू यूज़ इसमें मेंशन किया गया है, टू कंडीशनर हेयर, मसाज इनटू स्कैल्प बिफोर शैम्पूइंग, टू सॉफ्टन एंड स्मूदन स्किन, अप्लाई एंड मसाज ऑन स्किन। जैसे आप देखिए, और कैस्टर ऑयल का यूज़ तो हम जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। आप ऐसे ही इसे लगा सकते हैं और DIY इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी हेयर मास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कुछ सीरम बनाना चाहते हो उसमें भी एक दो ड्रॉप डालिए, अच्छा रहता है और अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है, तो लंबे समय तक जाएगी। और पैकेजिंग मैं बोलूँ तो अच्छा ही है, लेकिन उतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है कि थोड़ा भी अगर ये प्रेस हो तो शायद ओपन हो सकता है। मैंने कभी इसे लेकर ट्रैवल तो नहीं किया है, तो वो आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी ठीक है, डिसेंट ही है बॉटल भी। और नीम ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टू यूज़ दिया गया है, कैन बी अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन और हेयर, और फॉर यूज़ ऑन सेंसिटिव फेशियल स्किन एंड स्कैल्प। आप स्कैल्प में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है, पर ये स्किन के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैंने रखा है। इसीलिए मुझे DIY इसमें से यूज़ करना पसंद है, जैसे कि मोस्टली हेयर मास्क होती है ना, एग वाली हेयर मास्क हो गई, या फिर मेहंदी में ज़रा सा मिला ले हाफ टी स्पून, वैसे मिलाकर इसे यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप लेना चाहे तो आप इसे एक बार सर्च करिएगा अमेज़ॉन में, या इनका वेबसाइट अगर दिया हो तो आप शायद, हाँ जी हाँ, इनका वेबसाइट भी इसमें प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं www.khadi.com, आप शायद वहाँ से भी ले सकते हैं, पर अमेज़ॉन से तो ज़रूर ले सकते हैं। मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, तो मैंने कम्प्लीट इसका पे किया है। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे आप लोगों को पसंद आए। होपफुल आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और बहुत जल्द आपको इन सब
चीज़ों की DIYs देखने मिलेगी, और होप हेल्पफुल रहे वो भी आप लोगों के लिए। अगर कुछ आप लोगों को जानना हो और तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। बाय।